हेलो यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी टेस्टी कटहल कढ़ी। ग्रेवी रेडी करने के लिए कढ़ाई में ऑयल गर्म हो जाने के बाद जीरा, लौंग, बड़ी इलायची, तेजपत्ते, दालचीनी, गरम खड़े गरम मसाले डाल दें। इसके बाद प्याज डाल दें पिसा हुआ। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें 1 चम्मच। अभी इसमें डाल देंगे ताकि प्याज के साथ ये भी भून जाए, इसकी स्मेल भी चली जाए। अब जो टमाटर की प्योरी बना रखी थी उसे डाल दें। पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल दें जिससे हमारी ग्रेवी में थिकनेस आएगी। और थोड़ी सी लाल मिर्च, हम देगी मिर्च डालेंगे, और 1 चम्मच नमक, 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं, बाकी आप बाद में टेस्ट के हिसाब से डाल देना अपना। गरम मसाला, हल्दी पाउडर, डेगी मिर्च डाल दें, कलर अच्छा आएगा। ठीक है, बाद में भूनेंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल करके ढक दें 5 मिनट के लिए ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। दाल को 2 घंटे के लिए भिगो दें, ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। चने की दाल का इस तरह से पेस्ट बना लें। कटहल की गुठलियां अच्छे से निकाल दें और इसे कुकर में डालकर उबालेंगे हम। 1 सीटी लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। कटहल फ्राई करने के लिए जो दाल ग्राइंड की है चने की, उसे अब एक बाउल में निकाल लें। जार को अच्छे से साफ करने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से बंद करके शेक करें। और बाउल में निकाल लेंगे इसे भी। 1 चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1/2 नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये पकौड़े की चटनी बनाने के लिए टमाटर 1/2 कटा हुआ, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का छोटा सा टुकड़ा और हरा धनिया डालेंगे, 1/2 स्पून नमक। इसका पेस्ट रेडी कर लें और एक बाउल में निकाल लें। चटनी भी रेडी है। कटहल चेक कर लेते हैं कितना गला है। इसे ज़्यादा नहीं गलाना है, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से दबा कर देख लें, अगर ये टूट रहे हैं तो इसका मतलब ये गल गए हैं। कटहल अच्छे से गल गया है। कढ़ाई में तेल डालें। तेल को तेज आंच पे गर्म कर लें। कटहल की छोटी सी पीस डालकर चेक कर लें तेल हुआ कि नहीं। तेल हो गया है। अब हम कटहल फ्राई करेंगे। चने की दाल बहुत पतली नहीं रखना है, नहीं तो कोटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब हम इसे फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। आप फ्लेम हाई कर लें जब ये थोड़ा अंदर से कुक हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्हें कुक होने में। इसे हमें सुनहरा कर लेना है। कोटिंग भी काफ़ी अच्छी आई है इस पर, क्रिस्पी बनेंगे ये। ये बहुत ही ज़रूरी टिप है कि इसका जो बैटर है जिससे पकौड़े तलने हैं उसे गाढ़ा होना चाहिए, नहीं इस पर कोटिंग अच्छी नहीं चलेगी और ये क्रिस्पी भी नहीं होंगे। पकौड़े फ्राई हो गए हैं अच्छे से, सुनहरे हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे ऑयल से, इन्हें एक्स्ट्रा ऑयल हटा देंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। पकौड़ों की आवाज़ सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। तो हम पानी डाल देंगे क्योंकि हमें ग्रेवी वाले बनाना है कटहल।
जब ग्रेवी बॉईल हो जाए तो इसमें पकौड़े डाल दें। इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएं। कटहल पक गए हैं बिल्कुल, ग्रेवी भी इसकी ज़्यादा पतली नहीं है, बहुत टेस्टी है। अब इसमें हरा धनिया डाल दें, एक एक करके कटहल के पीसेस निकाल लेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें।